नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वासवेंद्र रुद्रास कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोचक टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा, हमने सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है उस बेसिस पे प्योरली न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश की है कुछ सेलिब्रिटीज़ की और उनके रिलेशनशिप की। आपने देखा अरमान मलिक का वीडियो, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने। उसके बाद मलाइका अरोरा का वीडियो, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अभिषेक एंड ऐश्वर्या पे। सो दोस्तों, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ आपको शुरू करने से पहले ही कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहता, मैं किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना नहीं चाहता। मुझे सच में नहीं पता उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये केवल और केवल आपके न्यूमरोलॉजिकल लर्निंग के लिए है और न्यूमरोलॉजी केस स्टडी की तरह ही आप इसको लीजिए। और जो भी पब्लिक डिमांड है उस बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो प्लीज़ किसी की पर्सनल स्पेस में इंटरफियर मत कीजिए। ये एक मेरे आपसे निवेदन है और ये एक रिक्वेस्ट है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे अभिषेक की, 5 फरवरी 1976। और अभिषेक का जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो है 53। जी हाँ, 53। सो अब दोस्तों, दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी पत्नी। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूँ तो है 1 नवंबर 1973। इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो है 15 का, और इनका कुआ नंबर आ रहा है 6 से। इनका कुआ क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि कुआ नंबर 6 है और इनके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है, तो इसीलिए कुआ नंबर की मदद से उनको 6 नंबर मिल रहा है। अब दोस्तों, मैं 6 नंबर पे इतना क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिलेशनशिप के लिए जो है वो 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो दोस्तों, 6 नंबर अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ में है, उनके बर्थ चार्ट में है, और ऐश्वर्या की बर्थ चार्ट में भी 6 नंबर है। हालांकि वो कुआ नंबर से है बट फिर भी है, 25% इम्पैक्ट होता है कुआ नंबर का, पर फिर भी इफेक्टफुल तो है, इम्पैक्टफुल तो है, राइट? सो दोस्तों, मीडिया में जो खबरें आ रही है कि अभिषेक और ऐश्वर्या का डिवोर्स होगा या होने वाला है या हो सकता है, ये सारी अटकलें जो है, और मीडिया को तो दोस्तों मसाला चाहिए, राइट? मैं दुआ करता हूँ किसी का भी डिवोर्स ना हो, अभिषेक ऐश्वर्या तो दूर का बात है, बट हमें वापस आपको कह दूँ कि ये केवल और केवल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो दोनों का कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या इनका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, राइट? तो दोस्तों, अगेन विथ अ डिस्क्लेमर कि प्योरली इसको आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखिए, अभिषेक का जो ड्राइवर नंबर है वो है 5 और ऐश्वर्या का जो ड्राइवर नंबर है वो है 1। अपने आप में ये कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी बैठती है, राइट? और अभिषेक जो है वो नंबर 6 शेयर करते हैं ऐश्वर्या के साथ, राइट? तो उस तरह से अगर आप देखने जाए तो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी दोनों की अच्छी है। आई रिपीट, दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। अब आप कहोगे, यदि कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेन क्यों आ रहा है, रिलेशनशिप में अचानक से इतना इश्यूज क्यों आ रहा है? सो दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी करूँगा कि इसकी वजह से उसकी वजह से। मैं केवल आपको एक हिंट दे सकता हूँ या मैं केवल आपको एक निर्देश दे सकता हूँ या एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि इन दोनों में जो अनबन या जो भी रिलेशनशिप में खटास आ रही है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ रही है, राइट? अगेन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा प्योरली न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है। और उस थर्ड पर्सन का जो ड्राइवर नंबर है वो है 8, राइट? अब आप देख लीजिए, आपको जो भी एनालिसिस करना है, आपको जो भी गूगल करना है, आप कर लीजिए अपने हिसाब से। बट मेरा ये मानना और जानना है कि ये जो रिलेशनशिप में स्ट्रेन है वो थर्ड पर्सन की वजह से आ रहा है, उसके इंटरफियरेंस की वजह से आ रहा है, जिसका ड्राइवर नंबर 8 है। अब 8 नंबर जो है वो है शनि का नंबर और ऐश्वर्या का जो ड्राइवर है वो है 1। तो 8 और 1 जो है आपस में एंटी बैठते हैं, राइट? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब एंटी कॉम्बिनेशन साथ में आते हैं या जब कोई एंटी नंबर साथ में आते हैं तो फ्रिक्शन और अनबन जो है परिवार में, खटास या रिलेशनशिप में खटास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि जो भी आपको सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स या जो भी आपको न्यूज़ देखने मिल रही है, न्यूज़ में हालांकि लोग मसाला भर के भी बोलते हैं या कुछ जो सच्चाई नहीं होती है वो भी बताते हैं, पर
जो मेरा कैलकुलेशन कहता है, जो मेरा अनुमान कहता है कि ये जो रिलेशनशिप में खटास या जो अनबन है वो है 8 और 1 के एंटी रिलेशन की वजह से, ना कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो रिलेशन है उसकी वजह से, या उनकी कंपैटिबिलिटी में मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इन दोनों की रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, जिनका ड्राइवर नंबर 2 है, राइट, जो इन दोनों को साथ बनाए रखे हैं और जो इन दोनों को आगे लेके रखे हैं और इन दोनों को एक 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 एकजुट बनाए रखे हैं। सो मैं और डिटेल में या और डीप में नहीं जाऊंगा। मेरा एक सिंपल एनालिसिस का मैं आपको कंक्लूजन बता दूं कि क्या अभिषेक और ऐश्वर्या का डिवोर्स होगा। मेरा कैलकुलेशन कहता है नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में ये दोनों खुशी से साथ रहेंगे, ये मेरी दुआ भी है, ये मेरा कैलकुलेशन भी कहता है, और ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं वापस आपको कह दूँ, कृपया 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 किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करें, उनको पीसफुली जीने दें। आप इस वीडियो को भी एज अ केस स्टडी, एज अ न्यूमरोलॉजिकल लर्निंग ही ले, ना कि कानाफूसी करें, राइट। सो इसे एक न्यूमरोलॉजिकल लेसन की तरह लीजिए, और लाइफ में न्यूमरोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए। दूसरों की लाइफ में झांकने के बजाय अपने आप की लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए, अपने फैमिली की लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लर्निंग, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर हम आपके साथ मिलते रहेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।